हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए एक इंडो चाइनीज रेसिपी बेबी कॉर्न चिल्ली लेकर आई हूं। तो रेस्टोरेंट जैसा बेबी कॉर्न चिल्ली आप घर पर भी आसानी से बनाकर तैयार कर सकते हो। तो चलिए बेबी कॉर्न चिल्ली बनाना स्टार्ट करते हैं। बेबी कॉर्न चिल्ली बनाने के लिए हमें चाहिए बेबी कॉर्न 200 ग्राम्स, 2 मीडियम साइज अनियन बड़े टुकड़ों में कटे हुए, वाटर बैटर बनाने के लिए, ऑयल फ्राई करने के लिए, येलो कलर बेल पेपर्स 1 छोटी कटोरी, रेड कलर बेल पेपर्स 1 छोटी कटोरी, ग्रीन कलर बेल पेपर्स 1 छोटी कटोरी। अगर आपको तीनों कलर का बेल पेपर ना मिले तो आप केवल ग्रीन बेल पेपर का भी यूज कर। कॉर्नफ्लावर 2 टेबल स्पून, विनेगर 1/2 टीस्पून, टमाटो केचप 2 टेबल स्पून, चिली सॉस 1 टीस्पून, सोया सॉस 1 टीस्पून, और मैंने यहाँ पे 8 से 10 लहसुन की कलियों को बारीक काट लिया है, 1 इंच अदरक के टुकड़े को कद्दूकस कर लिया है और 2 हरी मिर्च को बड़े टुकड़ों में काट कर लिया है, कश्मीरी लाल मिर्च 1/2 टीस्पून, नमक स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर 1/2 टीस्पून, ऑल पर्पस फ्लावर और मैदा 2 टेबलस्पून। और अब हम एक बोल लेंगे और इसमें 2 टेबलस्पून ऑल पर्पस फ्लावर ऐड करेंगे, 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड करेंगे और अब हम इसमें नमक डालेंगे स्वादानुसार, काली मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर आधी छोटी चम्मच, सारी सामग्रियों को आप ड्राई एक फोर्क की हेल्प से पहले मिक्स कर लें अच्छी तरह और फिर थोड़ा थोड़ा वाटर ऐड कर इसका एक स्मूथ लम्प फ्री मीडियम कंसिस्टेंसी का बैटर बनाकर रेडी कर लें। बैटर रेडी है और मैंने यहाँ पे बेबी कॉर्न को पहले ही बॉईल कर लिया है। गरम पानी में आप 1/2 टीस्पून सॉल्ट डालकर बेबी कॉर्न को 5 मिनट्स के लिए बॉईल कर लें और उसका वाटर स्ट्रेन कर लें। तो अब हम बेबी कॉर्न को बैटर में डाल देते हैं और अब हम अच्छी तरह से बेबी कॉर्न को बैटर में मिक्स कर लेंगे ताकि हमारे बेबी कॉर्न के ऊपर एक अच्छा बैटर का लेयर कोट हो जाए, जिससे कि हमारी बेबी कॉर्न काफी क्रिस्पी बनकर तैयार होंगी। आप देख सकते हो कि हमारे बेबी कॉर्न के ऊपर एक थिक लेयर बैटर का कोट हो चुका है और अब हम इसे हॉट ऑयल में फ्राई करेंगे। गैस ऑन करके मैंने एक कढ़ाई चढ़ाया है और उसमें ऑयल ऐड किया है और इसे मीडियम फ्लेम पे हम गर्म होने देंगे। ऑयल गर्म हो चुका है और अब हम इसमें बेबी कॉर्न को एक फोर्क की हेल्प से एक एक करके गर्म तेल में डालेंगे। बेबी कॉर्न को हमें मीडियम टू हाई फ्लेम पे 3 से 4 मिनट्स के लिए गोल्डन ब्राउन होने तक इसे डीप फ्राई करना है और अब आप देख सकते हैं कि बेबी कॉर्न गोल्डन ब्राउन हो चुके हैं। तो अब हम इसे एक टिश्यू पेपर पे निकाल लेते हैं। तो इसी तरह हम बाकी के बचे हुए बेबी कॉर्न को भी गोल्डन ब्राउन होने तक डीप फ्राई कर लेते हैं। गैस ऑन करेंगे, एक कढ़ाई चढ़ाएंगे और उसमें 2 टेबलस्पून ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल को गर्म होने दें और अब हम इसमें बारीक कटा हुआ लहसुन अदरक और हरा मिर्च डालकर उसे 1/2 मिनट के लिए भून लेंगे और अब हम इसमें प्याज ऐड करेंगे। चाइनीज डिश कुक करते समय आप फ्लेम को हमेशा हाई रखें और अब हम प्याज को भी 1/2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे कर लेते हैं और अब आप इसमें ग्रीन येलो एंड रेड कलर बेल पेपर्स ऐड कर इसे 1 से 2 मिनट के लिए हाई फ्लेम पे सॉटे कर लें। सब्जियां सॉटे हो चुकी हैं और अब हम इसमें सॉस ऐड करेंगे। 2 टेबलस्पून टमाटो केचप, 1 टीस्पून सोया सॉस,
1 टीस्पून ग्रीन चिली सॉस और 1/2 टीस्पून विनेगर ऐड करेंगे, आधी छोटी चम्मच काली मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, नमक स्वादानुसार, ध्यान रहे कि नमक का इस्तेमाल थोड़ा कम करें क्योंकि सॉस में भी नमक होता है, आधी छोटी चम्मच चीनी डालेंगे टेस्ट को बैलेंस करने के लिए। और अब हम सारे सॉस और मसालों को एक बार अच्छी तरह से मिक्स कर लेते हैं। और अब हम सेम बैटर वाले बोल में 1 टीस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर उसे वाटर के साथ मिक्स कर इसका एक घोल बना लें आप और इसे ग्रेवी में ऐड कर दें। और अब आप इसे अच्छी तरह से मिक्स करते हुए 1/2 मिनट के लिए कॉर्नफ्लोर के साथ इसे पका लें। मैंने यहाँ पे ड्राई बेबी कॉर्न चिली बनाया इसलिए मैं वाटर ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आपको ग्रेवी वाली बेबी कॉर्न चिली बनाना है तो इसी स्टेज पे आप वाटर ऐड कर सकते हो। सॉस अच्छी तरह से पक चुका है और ग्रेवी भी बिल्कुल रेडी है, तो अब हम इसमें फ्राइड बेबी कॉर्न्स को ऐड करेंगे। बेबी कॉर्न को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे ग्रेवी के साथ, आप चाहो तो इसे टॉस भी कर सकते हो। स्प्रिंग अनियन डालेंगे, गैस ऑफ कर देंगे और आप देख सकते हैं कि बेबी कॉर्न चिली बनकर बिल्कुल रेस्टोरेंट स्टाइल में रेडी है। और ये काफी माउथ वाटरिंग लग रही है, ये काफी अच्छा एक स्टार्टर बनकर घर में तैयार हुआ है और आप अपने रमजान के महीने में इसे एज अ स्टार्टर गेस्ट को भी सर्व कर सकते हैं। तो जरूर बेबी कॉर्न चिल्ली घर पर ट्राई करें। तो अगर आपको मेरी बेबी कॉर्न चिल्ली की रेसिपी पसंद आई हो तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें, लाइक करें, शेयर करें वीडियो को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सो हैव अ ग्रेट डे एंड बाय बाय।